वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजे सिविल विश्वमान। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो हमारा पंप हाउस होता है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, उसका जो बाईपास चैम्बर बनता है उसकी मार्किंग हम लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स का कमेंट आया था कि सर बाईपास चैम्बर का मार्किंग कैसे करते हैं बता दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो बाईपास चैम्बर बनाने के लिए हमारा जो अंदर पंप लोवर होता है उससे हमारी दो लाइन निकलती हैं, एक मेन लाइन जाती है जो अंदर से उधर को जाएगी और एक हमारा ये जो हमारा अदर लाइन होती है, ठीक है, उसके लिए ये हमारा एक पंप एक और सा ये दिया गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी साइज़ की ये जो विंडो लगती है इस विंडो के फेस पे ही हमारा बाईपास चैम्बर बनता है। तो बाईपास चैम्बर मार्किंग करने के लिए सिंपल सा मेथड होता है आपका, जो ये पाइप निकला होता है इस पाइप से आप इसका सेंटर लेंगे, सेंटर से 500 इधर, 500 mm इधर, 500 mm इधर लेके आप लोग एक निशान मार्क कर दीजिए, जैसे कि ये निशान मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अंदर इसका जो साइज मिलेगा वो 1 meter मिलेगा, उसके 1 meter के बाहर हमारा 9 inch का ब्रिकवर्क रहेगा, ठीक है, 9 inch की वाल रहेगी और इधर भी वैसे ही 9 inch की वाल रहेगी। अंदर जो डायमेंशन रहेगी वो 1 meter इधर रहेगी और इधर से भी 1 meter रहेगी, जैसा कि इन्होंने ज़मीन पे मार्किंग कर रखी है कि इस फेस से इन्होंने 230 की वाल रहेगी, उसके बाद अंदर 1 meter इन्होंने मार्किंग की है, ठीक है। तो अंदर हमारा जो रहेगा वो 1 meter रहेगा। अब आती है बात हमारी डेप्थ की, जो हम लोग डेप्थ रखते हैं, डेप्थ हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, जो हमारा ये पाइप निकला हुआ है, ठीक है, इस पाइप से DI पाइप से हम लोग 1150, किसी ड्राइंग में अलग हो सकता है और किसी ड्राइंग में कुछ और हो सकता है, 1100 इसका टॉप हम लोग लेंगे और इससे 1150 mm हाइट डेप्थ में हम लोग जाएंगे और वहाँ से हम लोग इसकी ड्रेसिंग करा देंगे। तो इसका जो साइज रहता है वो 1 meter by 1 meter by डेप्थ इसकी 1150, 1x1x1150 इसका साइज रहता है। उसके बाद हमारा बनता है यहाँ पे जो हमारा एक छोटा सा चैम्बर बनता है दूसरा, ठीक है, हमारा उसमें पानी भरेगा, फिर वहाँ से जब हमारा ओवरफ्लो करेगा तो इस छोटे चैम्बर में आएगा और इससे फिर हमारा ड्रेन से पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो छोटा बनता है तो हमारा ये चैम्बर बन गया, चैम्बर में जब हम लोग बनाएंगे ये दो वाल हमारी आएंगी और ये ऐसे जुड़ेंगी, तो इसका जो सेंटर होगा सेंटर में हम लोग वी नॉच प्रोवाइड करते हैं जिससे ओवरफ्लो का पानी बाहर जाता है और उस सेंटर से फिर से हम लोग 250 इधर 250 इधर करके 500x500 का एक छोटा चैम्बर और बनता है, ठीक है, उसका साइज रहता है 500x500x500, तो वो भी हमारा चैम्बर इसके साथ साथ बन जाएगा। अभी मैं आपको ड्राइंग में समझाता हूँ कि कैसे ये हम लोग बनाते हैं, जिसका प्रॉपर आपको सेक्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये मेरा पंप हाउस दिया गया है, पंप हाउस में ये हमारा बरामदा है, ये हमारा क्लोरीन रूम है और ये हमारा बोर चैम्बर है, ठीक है, ये हमारा बोर है, बोर से हमारी ये मेन लाइन गई हुई है और ये हमारा स्लूस वाल्व है और एक स्लूस वाल्व इधर लगा हुआ है। तो हमारा जो बाईपास चैम्बर बनेगा वो इधर बनेगा इस फेस में। तो बाईपास चैम्बर जो हमारा बनता है, जैसा कि मैं अभी आपको साइड पे दिखाया हूँ, तो ये बाईपास चैम्बर हमारा इस वाल से ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, इसका सेंटर हम लोग ले लेंगे, इसका सेंटर लेने के बाद यहाँ से 500 और इधर 500, ये 500 ले लेंगे और इसके बाहर हमारा 9 इंच का ब्रिकवर्क हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हमारा इधर भी 9 इंच का ब्रिकवर्क हो जाएगा, तो अंदर हमारा 500 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका डायमेंशन होता है वो 1 meter by 1 meter इनर फेस होता है, ठीक है, इसकी जो डेप्थ रहती है उसकी डेप्थ हमारा जो ये पंप का लेवल होता है, ठीक है। अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊं तो कुछ ये हमारा ऐसा बनेगा, जिसमें से ये हमारा टॉप ब्रिकवर्क है, इस ये वाल्स है हमारी, ठीक है, ये वाल्स हैं और इसके बीच में हमारा यहाँ से सेंटर से ये हमारा वी नॉच बनेगा, ये ऐसे वी नॉच बनेगा, ये 1 foot लगभग 300 mm डेप्थ पे। तो ये हमारे मान के लो ये पीछे की वॉल है, ठीक है, ये पीछे की वॉल, अगर जो हम इसको काट देंगे वी नॉच, तो ये पीछे का हमारा ऐसे कुछ पंप दिखेगा, ठीक है, तो उसका पानी इसके अंदर गिरेगा और इस वी नॉच से पानी गिरने के बाद इसके बाद हम लोग एक छोटा बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमारा वी नॉच ये बन गया, ठीक है,
ये वी नॉच है, ये वी नॉच हमें यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो वी नॉच इधर से देखेंगे तो हमें ये पंप दिखेगा, क्रॉस सेक्शन अगर जो हम लोग जैसे हम लोग ड्राइंग में पहले देखते थे वैसे ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो दूसरा बनता है इस वाल से हमारा 500 बाई 500 का, मतलब आधा मीटर बाई आधा मीटर अंदर अंदर ये हमारा रहेगा 500 mm बाई 500 mm, ठीक है। इसका 500 mm बाई 500 mm इधर रहेगा और इसके बाहर बाहर हमारी वॉल रहेगी, ठीक है। ये बन गया और इधर भी हम लोग वी नॉच प्रोवाइड करेंगे। बस फर्क ये रहेगा कि इसका जो बॉटम है, जैसे ये वॉल का बॉटम है तो इसका जो हम ब्रिक वर्क करेंगे तो वो इसके टॉप तक करेंगे, मतलब यहाँ तक हम लोग ब्रिक वर्क इसका करेंगे ऐसे। ये अंदर अंदर 500 बाई 500 का समझ लीजिए बन रहा है और ये यहाँ इसका वी नॉच बना देंगे, ठीक है। इसका इसका बॉटम और इसका टॉप एक लेवल में रहेगा, ठीक है। इससे पानी गिरेगा इसमें और इससे पानी गिरेगा यहाँ से ड्रेन से बाहर निकल जाएगा। अभी इसका जो हम लोग लेवल देखते हैं, जो लेवल देखते हैं तो लेवल इसका ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये हमारा बड़ा वाला चैम्बर है, ठीक है, और उसके पड़ोस में हमारा ये छोटा चैम्बर है। ये हमारा ग्राउंड लेवल रहेगा, ग्राउंड लेवल से नीचे हम लोग लगभग 1 फुट 300 mm हाइट पे इसकी हम लोग PCC करा के और ये हम लोग छोटा चैम्बर यहाँ पे इसका बना देंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा चैम्बर, इसकी हाइट 300 mm ज़्यादा रहेगी या ग्राउंड लेवल जो वहाँ पे एडजस्ट कर रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे और ग्राउंड लेवल पे ये वाला चैम्बर छोटा वाला जो ये चैम्बर है ना, ये सेम वही है, ये छोटा चैम्बर हम लोग ग्राउंड लेवल पर देंगे और बड़ा चैम्बर जो होगा वो हमारा ग्राउंड लेवल से 300 mm डाउन डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। इसकी जो डेप्थ रहती है वो रहती है 1150 mm, ठीक है। इस बोर से 1150 mm डाउन तक हमें जाना है, उसके बाद हम लोग 75 mm की PCC करा देंगे तो ये हमारा साइज बाईपास चैम्बर का मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर रहता हमारा, यहाँ पे विंडो लगेगा, ठीक है। विंडो के नीचे हमारा ये बाईपास चैम्बर बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका फिगर भी दिखा रहा हूँ, इधर साइड में देख लीजिए, फिगर इसका दिखेगा, ऐसा हमारा बाईपास चैम्बर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग बाईपास चैम्बर बनवाइए, उसकी मार्किंग कीजिए। अगर कोई डाउट आ रहा है फिर भी तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका 100% सोल्यूशन बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।